दोस्तों, खुद को सन ऑफ बिहार कहने वाले को अब बिहार की आवाम ही कलंक ऑफ बिहार का लकब देने लगी है, और तो और बिहार की जनता ही इन्हें बवासीर ऑफ बिहार बताने लगी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मनीष कश्यप की, जो अपने गला फाड़ कंपटीशन से तमाम चीजें करते हुए सड़कों पर दिखाई देते हैं, जिनकी तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आती है, पर कई बार ये करना भारी पड़ जाता है। और इस बार भी कलंक ऑफ बिहार को यानी कि मनीष कश्यप को ये भारी पड़ गया है, जिस तरह की हरकत को उसने अंजाम दिया। फेक वीडियो चलाने के चलते बिहार पुलिस ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। तो ये मनीष कश्यप जो है, एक नया तरीका गिरफ्तारी से बचने का लेकर के आया है, क्योंकि अमूमन पहले ये देखा जाता था कि जिसके खिलाफ एफआईआर हो जाती थी या पुलिस प्रशासन उसकी धरपकड़ शुरू करता था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होने का ड्रामा करता हुआ दिखाई देता था। पर अब मनीष कश्यप ने इसका नया तरीका इजाद किया है, और उसने ये दिखा दिया है कि भैया, अगर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करोगे तो मैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को टारगेट करूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री को टारगेट करूंगा, जिससे उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सिंपैथी हासिल हो सके। और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दिया, जहां कलंक ऑफ बिहार के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो बिलबिला उठे हैं, और एक के बाद एक ये बंदा फेक पर फेक वीडियो चलाता चला गया, जिसके खिलाफ अब कड़ा एक्शन होने की तैयारी है। और तो दूसरा वीडियो इसने फेक चला करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है, उसकी हकीकत भी अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं, ये हमले तमिलनाडु के लोग कर रहे हैं, ऐसा फेक वीडियो और खबरें वायरल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मनीष कश्यप है। उसने मामले को तूल देने की कोशिश की, जहां बिहार पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर के बाद से मनीष कश्यप पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इस बीच ट्विटर पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, इनके आधार पर आरोप लग रहे हैं कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले के दावे को सही साबित करने के लिए स्क्रिप्ट वीडियो शेयर किया, जिसमें मनीष कश्यप के ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक पोस्ट किए जा रहे हैं। बुधवार 8 मार्च को भी उसने ऐसी ही हरकत को अंजाम दिया, जहां ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट किया गया। इसमें प्रवासी मजदूरों के लिए आवाज उठाने की बात को मनीष कश्यप दोहराता हुआ दिखाई दिया, जहां बिहार सरकार को उसने घेरने की कोशिश की। ट्वीट में लिखा था, तेजस्वी यादव जी, चश्मा हटाकर इस फोटो को देखिए, मजदूरों के चेहरे पर घाव हैं। जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग की है उसका मोबाइल नंबर भी है, एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे हैं और मजदूर सच में तमिलनाडु में परेशान हो। जिस पर मनीष कश्यप ने आगे लिखा कि मजदूरों को तमिलनाडु में जो मार पड़ी है वो सच है कि झूठ, इसकी जानकारी तो सरकार और प्रशासन ही देगा, लेकिन बिहारी मजदूर राज्य से बाहर जाकर मार खाते हैं, भगाए जाते हैं, इसके लिए दोषी सरकार ही। मनीष ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगा दिया कि भैया, बिहार के लोगों को तेजस्वी यादव ही पिटवा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, शायद भाषण में झूठ बोलते बोलते आप लोगों को झूठ सुनने की आदत हो गई है, इसलिए मनीष कश्यप का सच आप लोगों को झूठ लगा। मैं बिहार के मजदूर और गरीबों के बारे में झूठ नहीं फैलाता हूं, बल्कि उनकी सच्चाई दिखाता हूं, और उस सच को आप लोग देखना नहीं चाहते। तेजस्वी यादव जी, चश्मा हटा के इस फोटो को देखिए,
मजदूरों के चेहरे पर घाव है और जिस मीडिया ने ये रिकॉर्ड किया है उससे मेरी बात भी हुई है और अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी करिए। एक बार बात करके देखिएगा, क्या पता झूठ का झूठ और सच सामने आ जाए। मजदूर सच में तमिलनाडु में परेशान है, जिस पर अलीशान जाफरी नाम के एक पत्रकार ने भी पोस्ट करते हुए इस फेक वीडियो की जानकारी लोगों के सामने सार्वजनिक कर दी, जहां अलीशान ने मनीष पर प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप भी लगाए। एक और ट्वीट शेयर करते हुए अलीशान ने लिखा कि जिस चैनल पर यह वीडियो दिखाया गया है वो प्रोपेगेंडा कंटेंट से भरा पड़ा है। उनके मुताबिक एक वीडियो में 50 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है, जो कि पूरी तरीके से झूठ है। वहीं चंदन नाम के एक अन्य ट्विटर यूजर ने बुधवार देर रात दो वीडियो के स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर किए। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पहला वीडियो 2 दिन पहले डाला गया था। स्क्रीनशॉट में देखें, इसमें गमछा डाला हुआ व्यक्ति पीड़ित बना हुआ है और दूसरा वीडियो 14 घंटे पहले का है। इसमें वही पीड़ित एंकर बना हुआ है। 30 घंटे में पीड़ित की चोट भी सही हो गई और वो एंकर भी बन गया। इस सब के बीच मनीष कश्यप ने बिहार के मजदूरों पर हमले की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी बनाने की बात तक कह डाली। उसने ट्विटर पर लिखा, एक स्वतंत्र कमेटी बनाकर बिहारी मजदूर जो बिहार के बाहर कमाते हैं उनकी दयनीय स्थिति का पता लगाया जाए, फिर पता चलेगा कि मेरे ऊपर जो FIR हुई है वो सही है या गलत है। मनीष ने आगे ये भी लिखा कि स्वतंत्र कमेटी में पक्ष और विपक्ष के नेता, बिहार के समाज सेवी, पत्रकार, वकील, रिटायर्ड IAS IPS अधिकारी और रिटायर्ड जज होने चाहिए। इस मामले की जांच में लगी बिहार पुलिस की एक शाखा यूपी पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि कुल 30 फेक वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट का उन्हें पता लगा। पुलिस ने इन वीडियो को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी नोटिस जारी किया और उन्होंने फेसबुक को नॉन नोटिस भी दिए। ट्विटर और यूट्यूब को 15-15 नोटिस जारी भी किए गए हैं। वहीं 3 नोटिस जीमेल को भी भेजे गए हैं, जिसपे PTI की खबर के मुताबिक इनकी जो यूरो है उसकी जांच की गई, जिसमें 10 लोगों की टीम इस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। अधिकारियों ने मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। बिहार सरकार ने 4 अधिकारियों की एक तमिलनाडु भी भेजी है, जो इसी मामले की जांच में लगे हुए हैं। वहां के अधिकारियों की मदद करेगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आएगी। पर कलंक ऑफ बिहार सुधरने का नाम नहीं ले रहे। गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो किस तरीके से शख्स बौखलाता है उसकी ताजा तस्वीरें मनीष कश्यप के रूप में समझी जा सकती है कि एक इंसान किस तरीके से तमाम दलीलों को अपने आप को बचाने के लिए रखता हुआ दिखाई देता है और झूठ पर झूठ फैलाने का काम करता है और उस झूठ को टंके की चोट पर इतना गला फाड़ करके बोला जाता है कि वो झूठ भी सच लगने लगता है। पर बिहार में सरकार बदली तो इनकी दुर्दशा भी बदलने वाली है। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।